वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामाइट शो शुरू होगा। गाइस, यहां पर AEW के ब्रूटल ऑल आउट पेपर व्यू के बाद आज AEW कंपनी ऑल आउट का फॉलोआउट डायनामाइट करेगी। यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। गाइस, यहां पर ऑल आउट पर जॉन मॉक्सली के ब्रांड पर टर्न करने के बाद आज डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली BCC यानी क्लोडियो कैस्टेग्नोली और पैक लाइव अपीयर होंगे और जॉन मॉक्सली BCC के फ्यूचर को एड्रेस करने वाले गए। बट गाइस, वहीं AEW के आज लाइव डायनामाइट शो के ऊपर AEW के TNT चैंपियन जैक पेरी उनका टाइटल डिफेंड करेंगे और जैक पेरी के ऑल आउट पर ब्रायन को फेस करने के बाद वो यहां पर डायनामाइट के ऊपर AEW का TBS TNT टाइटल हमें यहां पर लियो रस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं AEW की वुमेन चैंपियन मरिया में शो के ऊपर हमें यहां पर क्वीन अमिनाटा को सिंगल मैच में फेस करते हुए दिखाई देंगी और इसके अलावा AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर AEW में रिकोसेट का इनरिंग रिटर्न देखने को मिलेगा जो यहां पर शो के ऊपर AEW में पहली बार सैमी गुवारा को फेस करेंगे। बट शो पर इन बड़े मैचेस के अलावा AEW की ऑल आउट के फॉलोआउट डायनामाइट के ऊपर AEW के टैग डिवीजन को लेकर पहली बार कैसीनो गॉगलेट होगा जहां पर AEW के इस कैसीनो गॉगलेट को जो भी टीम जीतेगी वो AEW के साल के बिगेस्ट डायनामाइट AEW प्रेजेंट ग्रैंड स्लैम के ऊपर द यंग बॉक्स को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगी। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि शो पर इन बड़े मैचेस सेगमेंट के अलावा MJF स्वर्व स्टिकलैंड और हैंगमैन एडम पेज में से कोई यहां पर डायनामाइट पर अपीयर होता है या नहीं और विल ऑस्प्रे के सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस के बाद ऑस्प्रे अब AEW में क्या करते गए। वल आप यहां पर ऑल आउट के फॉलोआउट डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।